ऐसा है कि मुद्दतों से बेचैन इस शहर को, मुद्दतों से बेचैन इस शहर को तसव्वुर का एक आसियाना मिला है। मुद्दतों से बेचैन इस शहर को तसव्वुर का एक आशियाना मिला है। बरसों बाद मेरे शहर में मुझे अपना ठिकाना मिला है। खोया हुआ सुकून आसपास मिला है। इस लॉकडाउन में मुझे कुछ खास मिला है। आती रही धूल उड़कर मेरे घर में, आती रही धूल उड़कर मेरे घर में, मुद्दतों से शहर भागता रहा बेतहाशा। बेतहाशा भाग रहे थे हम लोग। आती रही धूल उड़कर मेरे घर में, मुद्दतों से शहर भागता रहा बेतहाशा। पड़ती रही धूल कि कई परते चेहरे पर, यूं तो चेहरा साफ करता रहा बेतहाशा। मुस्कुराता हुआ एक चेहरा बदहवास मिला है। वो चेहरा जो भीड़ में मुस्कुराता था, इस लॉकडाउन में थोड़ा बदहवास दिखा। मुस्कुराता हुआ एक चेहरा बदहवास मिला है। इस लॉकडाउन में मुझे कुछ खास मिला है। लास्ट के दो अंतरा पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। कविता थोड़ी लंबी है। कागजों में उलझकर रह गई थी जिंदगी, कागजों में उलझकर रह गई थी जिंदगी। एक जमाना था जब हम कागज के नाव बनाते थे। आप सबको याद होगा अपना बचपन, कागज के नाव बनाते थे हम लोग और उसको बारिश के पानी में चलाते भी थे। कागजों में उलझकर रह गई थी जिंदगी। एक जमाना था जब हम कागज के नाव बनाते थे। रंग बिरंगी उड़ती तितलियों को देखा तो याद आया। जब लॉकडाउन में जब हमने गार्डन में गए तो हमने रंग बिरंगी तितलियां देखी। रंग बिरंगी उड़ती तितलियों को देखा तो याद आया कि किसी जमाने में हम पतंग भी उड़ाते थे। पतंग भी हमारे लिए वो तितलियां ही थी। मुद्दतों बाद उड़ता हुआ कागज का जहाज मिला है। और ये मेरा जाति अनुभव रहा है। बच्चे कागज का जहाज बनाकर उड़ा रहे थे, उसमें से एक जहाज मैं बैठा हुआ था, मुझसे टकराया और एकदम से ये लाइन, मुद्दतों बाद उड़ता हुआ कागज का जहाज मिला है। इस लॉकडाउन में मुझे कुछ खास मिला है।